तो दोस्तों, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो एक बहुत कॉमन चीज़ हमें सबसे पहले पढ़ाई जाती है कि कुछ एक फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिक्टली अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स। एंड कुछ ऐसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि दे आर अवेलेबल फॉर द पर्सन्स, राइट, लीगल पर्सन्स। वो पर्सन्स कोई भी हो सकते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, राइट। सो ऐसे कुछ एक ऐसे राइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। हमने बात ये ध्यान में रखनी है, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन लिखा हुआ है, इट मीन्स दे आर अवेलेबल टू बोथ बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आर्टिकल 15 अगर मैं अभी यहाँ आपको सर्च करके बताऊं तो आर्टिकल 15 अगर आपको यहाँ सर्च करके बताया जाए तो यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, एनी सिटीजन। तो यहाँ सिटीजन लिखा हुआ है, जहाँ सिटीजन मतलब वो सिर्फ इंडियंस के लिए, सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। जहाँ पर्सन लिखा हुआ है वो आपके सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, फॉरनर्स के लिए भी अवेलेबल है। एक बात ध्यान में रखनी है, दे आर अवेलेबल टू द कॉरपोरेशन एज वेल। पर्सन का मतलब होता है एनी लीगल पर्सन, जिसमें आपका सिटीजन आता है, नॉन सिटीजन आता है, कोई भी कॉरपोरेशन आता है, कोई एजेंसी आती है, एसोसिएशन आता है। ऐसा ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 20। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा नो, डबल जियोपार्डी वगैरह, ये सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 20 क्या कहता है, सिर्फ इतना कर आर्टिकल है दोस्तों, ये जो आप मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में उसका एक लोड लेकर के चले हुए हो, ये आर्टिकल बस इतना है, 3 लाइनों का आर्टिकल है। पहली लाइन इसकी क्या कह रही है कि कोई भी आदमी, राइट, कोई भी आदमी एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब आपने मान लो अगर आज मर्डर किया, आज मर्डर किया, लेकिन आज कानून के तहत मर्डर को कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी, कल ऐसा कानून आया, नेक्स्ट डे ऐसा कानून लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा जिसमें कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया मर्डर के लिए, आज नहीं था, तो आप जो है आप अगले दिन लाए गए कानून के तहत पिछले दिन किए गए, कमिट किए गए ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली नो एक्स पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये बात कहता है। लेकिन याद रखना है ये सिर्फ आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस पे लागू होता है, इट इज नॉट गिवन स्पेसिफिकली फॉर द सिविल ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देर इज समथिंग नोन एज, आपने सुना होगा एक एक टैक्स के बारे में, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में, केन एनर्जी डिस्प्यूट वगैरह इसी वजह से 2-3 साल पहले न्यूज में था। तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सिविल लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी लॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ केस विद रिस्पेक्ट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट इन इन 2005, देयर वॉज अ केस ऑफ राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा करके एक केस था 2005 में, जिसमें ये बात कही गई कि फीमेल्स को भी इक्वल राइट टू इनहेरिट द पेरेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली तब लागू नहीं था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया, मतलब 1956 से लेकर के जब आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, सक्सेशन एक्ट विच इज अ सिविल लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया, तब से लेकर के ये प्रावधान लागू होगा ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट मीन्स सिविल लॉज कैन बी रेट्रोस्पेक्टिवली या फिर पोस्ट फैक्टो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ सिविल लॉज का हो सकता है, लेकिन आपके क्रिमिनल लॉज का नहीं हो सकता। दूसरा प्रोविजन इसमें क्या है, दूसरा प्रोविजन है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसे आप कहते हैं नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगेन ये सब चीजें आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लागू होता है, राइट। दिस रिलेट्स टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, नॉट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर सीबीआई चाहे तो
तो 1 से 2 से 3 से 4 से 10 15 बार 100 बार आपको एक ही ऑफेंस के लिए वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन या फिर इंटेरोगेशन बाय एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है, ये सिर्फ आपके कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा आपका आता है, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, राइट। मतलब आप अपने खिलाफ गवाही दो, इसके लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता। बट दिस डज नॉट मीन कि आपके ब्लड सैंपल्स, आपके बायो सैंपल्स, आपके रेटिना सैंपल्स वगैरह, ये सब चीजें नहीं ली जा सकती। नो, दिस डज नॉट मीन दैट, राइट। और सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन और थी कि ब्लड टेस्ट वगैरह या फिर जो लाई डिटेक्शन टेस्ट वगैरह आपके रहते हैं, राइट, जो आपके राइट इस तरीके के जो टेस्ट रहते हैं, दे कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज सोल एविडेंस इन इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो सोल एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकते हैं। दे आर असिस्टिव ऑफ द अदर एविडेंसेज दैट आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर हुआ है, हो सकता है हुआ हो, आपके द्वारा किया गया है क्या, ये प्रूव करने के लिए आपका लाई डिटेक्शन टेस्ट अगर सरकार ने किया है, पुलिस ने किया है, तो वो एक सोल एविडेंस नहीं होगा। हालांकि लाई डिटेक्शन टेस्ट उन दूसरे एविडेंसेस को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, उसे उसका एक सप्लीमेंट्री एविडेंस के तौर पे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाकू रिसीव हुआ, उसमें आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स पाए गए कि भैया इस चाकू से मर्डर हुआ है, इसने हाथ में पकड़ा था, या फिर आपके जो राइट आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो उसमें पाए गए, तो उस केस में ही सिर्फ आपके ब्लड सैंपल या फिर आपके राइट आपके लाई डिटेक्शन टेस्ट वगैरह, ये सब चीजें असिस्टिव एविडेंस के तौर पे ही यूज की जा सकती है। आई होप इस आर्टिकल पे आपको क्लैरिटी हो गई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, देखते रहिए द यूपीएससी अब।